रीवा में मौजूद है दुनिया की सबसे छोटी कुरान शरीफ। जी हाँ, माचिस की डिब्बी से भी छोटी इस कुरान शरीफ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी। अरबी भाषा में लिखी हुई पिछले कई पुस्तों से एक परिवार के पास ये कुरान शरीफ मौजूद है। पेश है ये खास रिपोर्ट। रीवा की मन्नान मस्जिद में है इस्लाम धर्म में आस्था की प्रतीक विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। इस कुरान की खासियत ये है कि इसकी लंबाई चौड़ाई बेहद छोटी होने के बावजूद ये सोने के पानी से लिखी हुई है। कुरान के ही कवर में लगे लेंस से इसकी आयतों को आसानी से पढ़ा जा सकता है क्योंकि इसकी आयतें बहुत ही छोटी छोटी लिखी हुई हैं। अनवारुल हक के परिवार में पिछले 7 पुस्तों से ये कुरान शरीफ है, पर ये उनके परिवार में कैसे आई इसका पता किसी को नहीं। इसकी खासियत ये है कि ये माचिस की डिब्बी से भी छोटी है जिसकी लिखावट सोने के पानी से है और ऊपर चमड़े का कवर है। अनवारुल हक को ये तो नहीं पता कि ये उनके परिवार में कैसे और कहां से आई, लेकिन पिछले 7 पुस्तों से ये उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और वो लोग इसकी हिफाजत करते चले आ रहे हैं। इसके बारे में अनवारुल हक ने हमें बताया। ये अपने यहाँ कब से है ये कुरान शरीफ और क्या खासियत है इसकी? ये कुरान शरीफ हमारे पास 7-8 पुस्तों से चली आ रही है। अब हमारे बुजुर्गों के पास कैसे आई, कहाँ से आई, ये तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि ये कुरान शरीफ दुनिया में एक मिसाल है। अब शायद हो सकता है जामिया अज़हर में ये देखने को मिल जाए। जामिया अज़हर मिस्र में सबसे बड़ा कुतुबखाना है, वहाँ पर शायद हो तो हो, बाकी यहाँ तो इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत यही है कि यह हाथ से लिखी हुई है, इसको बिना लेंस के पढ़ा नहीं जा सकता, उसमें लेंस लगा हुआ है, उसी लेंस के सहारे से आप उसको पढ़ सकती हैं, देख सकते हैं। बाकी वैसे खुली आंखों से इतना बारीक लिखा हुआ है कि उसको नहीं पढ़ा जा सकता। 30 पारे की इस कुरान में वो सारी आयतें लिखी हुई हैं जो कुरान शरीफ में होती हैं। ये कुरान शरीफ इतनी छोटी है कि इसे खाली आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। कई लोग इनके घर के बाहर से भी इस छोटी कुरान शरीफ को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के बच्चे भी इसे बहुत ही उत्साह से पढ़ते हैं। इस घर के लोग अपने पुरखों की इस धरोहर को 7 पुस्तों से सहेज कर रखे हुए हैं और आगे भी रखते रहेंगे क्योंकि ये कुरान शरीफ इस परिवार के लिए बहुत ही बेशकीमती है जिसकी हिफाजत ये परिवार करता चला आ रहा है। इस बारे में अनवारुल हक के बेटे मोहम्मद अली और उनकी बहू सबीना ने हमें बताया। ये कुरान शरीफ हमारे 6-7 पीढ़ियों से है, इसके पहले का तो मालूम नहीं है, हम लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी मिला हुआ है। क्या खासियत है इसमें? ये पूरे 30 पारे की है और इसमें सोने के हरफों से लिखाई है और ये एक माचिस के डिब्बे में 2 आ जाती है। दुनिया की सबसे छोटी कुरान शरीफ है। इसकी लिखावट भी, इसकी लिखावट सोने के हरूफ से है और इसको लेंस के द्वारा पढ़ा जाता है। इसका जो कवर है, हाँ, ये चमड़े का है और इसके ऊपर सोने के हरूफों से लिखा गया है। तो इसको पढ़ने के लिए लेंस का इस्तेमाल, इसको पढ़ने के लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं। खाली आंखों से ये नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत बारीक लिखा हुआ है। इसे देखने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं? जी, इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हम आपको बता दें, ऐसा माना जा सकता है ये कुरान शरीफ दुनिया की सबसे छोटी कुरान शरीफ है जिसकी जिल्द चमड़े की है और इसमें सोने की नक्काशी है जिसे पिछले कई पुस्तों से ये परिवार हिफाजत के साथ रखे हुए हैं।